Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए कई बार ये होता है महिलाओं का ovulation तो समय पे हो रहा होता है, यानी ovary से egg तो release होता है, but sperm cell egg cell नहीं मिल पाते, sperm cell egg cell तक नहीं पहुंच पाता है या sperm cell egg को fertilize नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को pregnancy conceive करने में दिक्कत आती है, क्योंकि pregnancy conceive करने के लिए sperm cell और egg cell का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आगे का प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ नेचुरल से टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, जिसे 101% अगर आपका ओव्यूलेशन हुआ है, आपको पता चल रहा है, तो इस कंडीशन में स्पर्म सेल और एग सेल भी मिलेंगे और महिलाओं को आसानी से प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी। तो गाइज, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी का स्ट्रेस कम करना है, क्योंकि जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होती है तो महिलाएं बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाती है, चिंता करने लग जाती है, समझ नहीं आता है कि प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो पा रही है, क्या स्पर्म सेल और एक्सेल नहीं मिल पा रहे हैं, क्या बच्चा इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आपको एक्सहेल इनहेल थेरेपी या योगा या मेडिटेशन करना है। देखिए, स्ट्रेस भी फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। जब फिजिकल स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, इस कंडीशन में भी स्पर्म सेल के लिए एग सेल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, क्योंकि गाइस फिजिकल एक्टिविटी करने से महिलाओं की बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, इसका मतलब है हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक बॉडी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से हर एक बॉडी पार्ट महिलाओं का ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। दूसरा काम करना है गाइस, आपको ओव्यूलेशन से पहले कॉन्टैक्ट में रहना शुरू कर देना है, क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले ही महिलाओं की प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 4 to 5 days की होती है। अगर आप ओव्यूलेशन के दिन ही कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो इस कंडीशन में आपके पास टाइम कम रहता है, अगर टाइम कम है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी कम है, जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतना ज़्यादा प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर वन अटैम्प्ट में स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिल पाता है तो सेकेंड अटैम्प्ट में हो सकता है सेकेंड डे स्पर्म सेल और एग सेल मिल जाए, तो ये काम भी आपको करना है। और इसके साथ गाइस, जब आप कॉन्टैक्ट में रहें ओव्यूलेशन के टाइम या ओव्यूलेशन से पहले, उसके बाद सबसे मेन चीज़ है कि आपको लेग ऑफ द वॉल पोजिशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है। लेग ऑफ द वॉल पोजिशन को हम विपरीत करनी आसना भी कहते हैं। इसमें आपको अपने लेग को ऊपर की तरफ थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है। इसे होल्ड करने से स्पर्म को एक सपोर्ट मिलता है। अगर स्पर्म को सपोर्ट मिलेगा तो स्पर्म अपना रास्ता, क्योंकि स्पर्म को भी गाइस पहुंचना पड़ता है फैलोपियन ट्यूब तक, और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए अगर स्पर्म को सपोर्ट मिलेगा तो स्पर्म के लिए आसानी होगी, और स्पर्म आसानी से एग तक पहुंचेगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। इसीलिए कॉन्टैक्ट के बाद ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। सेकेंड काम करना है गाइस, कई बार ये होता है स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी नहीं होती, यानी स्पर्म अच्छा स्विमर नहीं होता, स्पर्म का मूवमेंट अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से स्पर्म एग तक ही नहीं पहुंच पाता। तो इस कंडीशन में स्पर्म की मोटिलिटी भी अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी है या नहीं है उसके लिए एक ही टेस्ट होता है, सीमन का टेस्ट, जिससे पता चल जाता है। अगर स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी नहीं है तो स्पर्म की मोटिलिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पर्म को हेल्दी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका बेस्ट तरीका है लॉन्ग वाटर, 2 दिन लॉन्ग को पानी में रात को भिगा के सुबह एम्प्टी स्टमक ले लो, इसे बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, स्पर्म हेल्दी भी रहेगा और स्पर्म की मोर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी, और एक अच्छा स्विमर बनके स्पर्म जल्दी से एग सेल तक पहुंचेगा। तो दूसरा काम ये करना है। इसके अलावा क्या होता है, कई बार महिलाओं को कॉन्टैक्ट के बाद यूरिन पास करने की अर्ज बहुत ज़्यादा होती है। इसमें 2 कंडीशन होती है, कई बार महिलाएं कॉन्टैक्ट के बाद जस्ट बाद यूरिन पास कर लेती है, और कई बार क्या होता है महिलाएं कॉन्टैक्ट के बाद पूरा रात भर यूरिन ही पास नहीं करती है। तो दोनों कंडीशन में क्या आपको करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कॉन्टैक्ट के बाद अगर आप यूरिन पास करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, बट इस कंडीशन में अगर आप थोड़े टाइम के लेग ऑफ द वॉल पोज को होल्ड करेंगे तो उससे आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म सेल महिलाओं के अंदर जाएंगे और जिससे महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो इसका अच्छा तरीका है कि आप कॉन्टैक्ट से पहले यूरिन पास कर लें, जिसकी वजह से आपको बाद में इतनी ज़्यादा अर्ज ना हो। और कई महिलाएं ये करती हैं कि जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो वो यूरिन को लाइक बहुत टाइम के लिए होल्ड करती हैं, पूरा रात भर होल्ड करती हैं। तो अगर आप ऐसा करें तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन में महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इन्फेक्शन होने के
चांसेस बढ़ जाते हैं अगर महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो गया तो बच्चा कभी भी इम्प्लांट नहीं हो सकता, और इम्प्लांट नहीं हो सकता तो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट के बाद थोड़े टाइम के लिए लेग ऑफ द वॉल को उसको होल्ड करना है, उसके बाद यूरिन पास कर लेनी है और सिंपल वाटर से अपने लोअर पार्ट को वॉश कर लेना है, जिससे इन्फेक्शन भी नहीं होगा और आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ेंगे। और इसके अलावा गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट में वाटर का इनटेक ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वाटर के इनटेक से महिलाओं का जो सर्वाइकल म्यूकस है अगर नहीं बन रहा है या कम बन रहा है या क्वांटिटी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस कंडीशन में सर्वाइकल म्यूकस सर्विक्स से अच्छी तरीके से सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अगर सर्वाइकल म्यूकस ठीक तरीके से निकलता है तो सर्वाइकल म्यूकस भी स्पर्म को सपोर्ट करता है, जिससे स्पर्म के लिए अपना रास्ता तय करना आसान हो जाता है। तो अगर ये सब चीज़ें करते हैं ठीक तरीके से, ये फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली गाइस अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, स्पर्म हेल्दी है, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो इसी तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो बहुत सी महिलाओं को हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।